आज एल्केन का गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक गुणधर्म, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप सभी लोग जानते होंगे एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, पहला सदस्य होता है मेथेन, तब आपका होता है एथेन, तब होता है प्रोपेन, तब आपका होता है ब्यूटेन, तब आपका होता है पेंटेन। क्या आप सभी को याद है कि नहीं? सब याद होगा। आज हम इसी के जिक्र करेंगे क्या क्या गुणधर्म होता है। सब लोग जानते होंगे कि एल्केन में, सुनो ध्यान से, जितने सदस्य होते हैं उसमें हमेशा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। याद करो, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, कल आपको क्वेश्चन भी मैंने बताया था, याद करिए, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन था। तो सी के बीच में भी हमेशा सहसंयोजक बंध और CH के बीच में भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय का मतलब होता है कि ये अलग अलग यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए अध्रुवीय होते हैं। इसमें कमजोर वांडरवाल्स बल पाया जाता है। एक बार पढ़ाए थे आपके क्लास में, वांडरवाल्स बल का होता है, माने कमजोर होता है, बहुत आसानी से टूट सकता है। और सभी लोग याद रखेंगे कि कार्बन एक से लेकर के कार्बन चार तक, माने जो प्राथमिक कार्बन एक वाला मेथेन हुआ, कार्बन दो वाला हुआ, कार्बन तीन वाला, मत बोलो पढ़ रहे बच्चे, कार्बन एक, कार्बन दो, कार्बन तीन, कार्बन चार, ये चार को सदस्य जो होता है ना गैस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? गैस अवस्था। उसके बाद से आप जरूर याद रखेंगे कि C5 से लेकर C17 तक द्रव अवस्था में, C5 से लेकर C17 तक किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और C18 से ऊपर जितने होंगे सब ठोस अवस्था पाए जाते हैं, एल्केन के सदस्य जो होते हैं। याद करना, मेथेन किस अवस्था में पाया जाता है? मेथेन किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो कहे ठोस कहते, कब ठोस कब ठस कब गई कौन बात हुआ, अरे बोलना तो सीधे बोलो। उसके बाद से इससे अधिक, आप देखो सभी रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। जल में माने एल्केन अधिकतर घुलनशील होते हैं, पेट्रोल में और हाइड्रोकार्बन में ये सब घुलनशील होते हैं, जिसका उपयोग 140 वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा इसके निम्न प्रभाजी का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने के लिए भी किया जाता है। पेट्रोल ले लो, आई ले लो, मेथेन के में मिला दो चाहे एथेन, कपड़ा पता दागी लग गई, कोई पोटा छीन के बिक दिला, लाल रंग के दागी लग गई तो दागी के छुड़ा कर, चाहे ग्रीस लग गई, ज़्यादा दुपट्टा में ग्रीस लगता है, चैनों में फंस जाता है, समझो। दुपट्टा नहीं होता तो क्या होता बताओ? दुपट्टा नहीं होता तो क्या होता? हाँ, ब्लैकबोर्ड नहीं मिटा पाते, ये बात है आपका, समझे? तली गलत नहीं। एल्केन का गुण, गुण 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 पहला लिख रहा, सबसे प्रथम सदस्य लिख, हाँ एल्केन और पेट्रोल मिला देते हैं ना, तब एल्केन में कहीं मेथेन ले लो, एथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, पेंटेन ले लो, ये सब होता है। तब पहला लिखो एकदम, केमिस्ट्री पहले स्ट्रांग होना चाहिए, पहले हम बता देते हैं क्या चाहिए, एथेन चाहिए, तो मैदान को तो उसे उठा के लेके आना घर पर, डिब्बे में बन के तो वही तो है एथेन, बन गया। अब तब देखना उसको पेट्रोल लेके आना खरीद के, उसे मिला करके धब्बा लगाना, देखना है एल्केन मेथेन मिलता नहीं है, मार्स गैस इसको कहते हैं, दलदली वाले स्थानों पर उगता है, तो वही तो बात है, कोई चीज चाह दलदली ना लग जा, तो लिखो पहला, अरे जा ये बताइए आपके लिए, आपके आपके पिताजी आपके लिए हस्बैंड खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा, जब उसकी आवश्यकता होगी तो खोज देंगे, नहीं मिल जाएगा जी आकाश बाबू, रजत बाबू, आदमी तो भगवान को खोज के लेकर चले जाता है, आप फिल्म पिक्के में भी देखे क्यों दौड़ाता है भगवान को, भगवान भागते रहता है अपना त्रिशूल लेकर, शंकर जी देखो पिक्के फिल्म तुम लोग देखते ही नहीं, तो क्या ये सब जाने को, हमारा बात सब उड़ जाता है, आज देखना जरूर से, ओ माई गॉड। चलो लिखो, लिखो पहला एल्केन के सदस्य में कार्बन कार्बन माने CC लिख लेना, CC
सी सी यही मत करना कि सर कलर चेंज सी सी माने होता है कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना तथा सी एच के बीच में हमेशा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सी सी लिखना और सी एच एकल को नहीं सिंगल कहते तथा सी एच के बीच में तथा सी एच के बीच में भी सहसंयोजक बंध होता है। तुम होशियार नहीं हो सीआर होशियार सी 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 एच के यही तो बात हो रही है इसके बीच में इसके बीच में दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। दूसरा लिखो दूसरा इनके बीच में कमजोर वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं। इसके बीच में कमजोर वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं। कमजोर वांडरवाल्स बल पाए जाते हैं। याद होता ना तीसरा लिखो सभी अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग होता है इसीलिए जल ध्रुवीय है। ये सभी अध्रुवीय होते हैं। अच्छा अध्रुवीय का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसकी विद्युत चुंबकता कम हो। कार्बन का बहुत कम होता है, हाइड्रोजन का भी बहुत कम होता है, इसलिए इसको अध्रुवीय कहते हैं। चौथा लिखो चौथा ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला लिखो कार्बन एक से है ना लिखो कार्बन एक से कार्बन पांच तक चार तक माने सीवन से सीवन फोर तक एक दिन था तुम ही ऐसे ही पढ़ती थी हसमत पगली प्यार हो जा। कार्बन एक से लेकर कार्बन चार तक गैस अवस्था पाए जाते हैं। कार्बन एक से कार्बन चार तक गैस अवस्था पाए जाते हैं। अरे ये सी एक से लिख लो सी चार तक गैस अवस्था में, सी पांच से सी सत्रह तक द्रव अवस्था में और सी अठारह से ऊपर ठोस अवस्था में। ठोस द्रव गैस सब नाम नहीं होता है ना। अब मान लीजिए अभी आप लिखेंगे सी सत्रह ये लिखते हैं सी सत्रह एच पैंतीस सी डबल ओ एन ए तो इसका कोई नाम थोड़ा होता है। अब इसका नाम होगा सोडियम स्ट्रेट माने कोनो ना कोनो यौगिक रूप के रूप में पाया जाता है इस तरीके से। अभी साबुन ठोस अवस्था में हुआ सत्रह से ऊपर तो इसमें सत्रह ही है एक अठारह नहीं हो जाएगा। हाँ अठारह से इतना अधिक होगा ना सब ठोस कौन जो नहीं अठारह ही होगा उन्नीस भी हो सकता है बीस भी हो सकता है। आगे लिखो नेक्स्ट लिखो लिखो एल्केन के सभी सदस्य का उपयोग खापचवा में कपड़े साफ करने के लिए भी करते हैं। एल्किन के सभी सदस्य का प्रयोग कपड़े साफ करने के लिए भी करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग पेट्रोल मिलाकर तब करते हैं। पेट्रोल मिलाकर तब करते हैं। अगला लिख लेना नेक्स्ट लिखो एल्केन के परमाणु भार बढ़ने के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। परमाणु भार बढ़ने के साथ
क्वथनांक भी बढ़ता है। हो गया, अब लिखो रासायनिक गुण था। हाँ तो नहीं पढ़ लें, जिंदगी से छुट्टी हो जाएगी, ये कौन छुट्टी सी बात है। आज ये रहो कल का होगा कौन जानता है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से दूर चली जाओगी, हमारी जिंदगी से, किसी दूसरे की जिंदगी से, फिर इस पृथ्वी से ही दूर चले जाना, जहाँ से आए वहाँ चले जाना है बस, तो ये कौन छुट्टी बड़ी बात है। चलिए कोई भगवान से पूछना कि भगवान क्या मेरी छुट्टी आप कर सकते हैं, कहेगा नहीं अभी तुम्हें जीना है, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर मास्टराइन बन करके कुर्सी तोड़ना स्वेटर बिनना है। तो कहा लिखोगे एल्केन का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, 5:05 पर छुट्टी होगा, 10 भी हो सकता है, अब 5 में टाइम बढ़ गया है ना, 22, 23, 24, 25, 26 से आपका एल्केन का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अच्छा पहला आपका लिखा है ना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन माने, सब्स्टिट्यूशन माने प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे, देखेंगे कि जब एल्केन के क्रिया किसी हैलोजन तत्व से कराते हैं, ठीक है, और उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इस क्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिख देखा है कि जब एक मिनट जब लिखे जब एल्केन के साथ, एल्केन के साथ समझ के लिख लीजिएगा, हैलोजन की क्रिया कराई जाती है, हैलोजन तत्व से क्रिया कराई जाती है तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है। कल पूरा पूछे तो बता दोगे तथा हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अगर तथा इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देख लो जब एल्केन के साथ हैलोजन की क्रिया होती है तो यही इसमें घटनाएं होती है, आप देखिए इसको प्रतिस्थापन भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है जाना, मान लो तुम्हारे पास मेथेन है, क्या है मेथेन के सूत्र सबको याद है ना, CHO प्लस क्रिया कराओगे हैलोजन क्लोरीन से, एच में यू की उपस्थिति में, एच में यू ऊर्जा है, मानो नहीं लिखा तभी कोई बात नहीं, पढ़े होंगे आप ये छो क्या कहते हैं, इसका मान कितना, माइनस 34 आई कहा है नियो आवृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति वो एक कंपन पूरा करना, एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करता है
एक काम पूरा करने जो समय लगता है तो तत्वार्थ काल करता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए कभी हम बताए बगैर मेरी बगैर ना तो सी एस थेरी सी एल आ गया। एक गो यहाँ से देखो निकल गया ना, इसलिए हम इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया करें क्योंकि ये अच्छा निकल गया। और क्या बनेगा प्लस एच सी एल, हम इसे हैलोजनीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम है, हैलोजन जुड़ा है हैलोजन, तो इसे दोनों कह सकते हैं, प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकला है, और हाइड्रोजनकरण का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन आपको ऐड हुआ। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी से मिटाए। हाँ और भी लिख सकते हैं, इसका नाम बोलो सब लोग, क्या नाम होगा? थे इतना सोच रहे हैं बिहार आ कि कल का पूरा पढ़ा 3 घंटा कल का तुम लोग खा लो तो नहीं, नहीं खाए तुम लोग कल भर पेट सब लेकर खाए सब। खोसी का मुर्गा की लड़ाई कर रहे थे सब। जल्दी से जल्दी से तनी और भी क्रिया कराए हम। हैलोजनकरण में मतलब जानते हैं ना, हैलोजनकरण का मतलब होता है हैलोजन पे जोड़ना। सुनो तो मिटा दे तनी होगी रिएक्शन आपको लिखाना है। चलो अच्छा ये बताओ, सब लोग मिलकर बताएंगे ठीक है, पीछे वाले बच्चे तो और बताएंगे। पीछे वाले बच्चे पढ़े नहीं हैं। अरे गलत बात है, आपको पढ़ना है ना, पढ़ना चाहिए आपको, कोई अलग कहेंगे नहीं पढ़े हैं। पढ़ाए तो हमारे पढ़े भी नहीं करते हैं। हाई लेवल। अब बताओ इसके रिएक्शन आपको कराना है, तो हैलोजनीकरण के मतलब क्या होता है? एड हो जाए, मोहब्बत होता है इससे बहुत ज़्यादा। हाइलोजनकरण में ही होता है ना, हाइलोजन तो जुड़ेगा, क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन। तभी मेरे को बढ़ेगा CH2, तो Cl2 हो जाएगा प्लस, यहाँ CH निकला था HCl। अच्छा HCl कहाँ से है? एक Cl यहाँ पर है, अरे दो गए गए दोनों, क्या इस सूत्र जो बनाया सही है? तो देखो जाँच कर लो, दो H और दो H जोड़े सी के साथ, जो गो Cl है दो Cl जोड़े सी के साथ, देखो चार गोता चार गो। हाँ सही है, 3 भैया 6 का नाम क्या होगा? कल्पना बताएगी, बहुत स्टैंडर्ड है, सुंदर कोई इसके सामने टिकता नहीं है। क्या नाम होगा इसका? क्लोरीन कौन है, क्लोराइड कहाँ कह रही है? क्या बोलो ना पढ़ने के, यहाँ पे एक घंटे बताते बताओ। हे भगवान, हे भगवान, एकदम सही बोला है, डाइक्लोरो मेथेन। कल का बहुत पढ़े हो ना, चलो तो इसका नाम होगा क्लोरो मेथेन। अब भूल गया होता तुमने, क्या भूल गया? हर बच्चा वैसे ही कहता है जब उसी गलत होता है। डाई क्लोरो मेथेन वो गोला पार दे तो रिक जाएगा, गोला तो एक मगले का पार दे, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा
अच्छा इसमें कौन सा रिएक्शन है बताओ, हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन जुड़ेगा। अच्छा चलो अब इसको बताओ, सब किताब में लिखा है ये मत समझना कि वो गाय चिल्लाया कह रही है कि कोई सब बच्चे बता देंगे। हाँ बोलो क्या नाम होगा इसका पहला का कल्पना बताइए। हाँ आगे क्या नाम हुई चुतिया बना तो जा डाई क्लोरोमेथेन दू बनो डाई क्लोरोमेथेन है क्या ट्राई क्लोरोमेथेन। एक और इसका नाम बोलो बता दो मान जाएंगे। इसका नाम होगा क्लोरोफार्म। क्या नाम होता है इसको लिख लो डाई क्लोरो मेथेन हो गई। चलो गोला पार देनी ट्राई। कोई इंसान देखो अपनी जिंदगी में ना दूसरे पर दूसरे को दोष निकालते रहे तुम लोग अच्छा बन जाओ। करना ऊपर वाला सब देख रहा है जनता गलती बताइए भूल आ रही है ट्राई क्लोरो मेथेन नाम का होगा बताओ ट्राई क्लोरो मेथेन है क्या टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा चार के लिए टेट्रा लिखते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन तो नोट कर लो सब है। क्या हुआ है तो वही नो कार्बन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं होता टेट्रा क्लोरोमेथेन होता है। कैसा तुम बतिया एल्केन का है ना ये तो ये अच्छा चलाओ जरूरी बका जब ये कौन बात हुआ चार बजे भाई ने अरे ये चार बजे अच्छा खाली अच्छे आप नहीं जानेंगे नहीं कुछ का पूछेंगे क्यों कुछ पूछेंगे हमारा अधिकार क्यों है हम तो किताब से हट के कुछ पूछते भी नहीं है। ये चारों हट गया है ना चारों हट गया बात खत्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे तो गलत है। कार्बन टेट्राक्लोराइड कहोगे तो साधारण नाम होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड कहोगे साधारण नाम है। पूछो कल बताया गया था तुम लोग को कि जब क्लोराइड के रूप में लिखोगे साधारण नाम होगा लेकिन आई पी एस सी नियम में ही जाना जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन होगा इसका नाम। आपका भी बात सही है साधारण नाम वो हो जाएगा लेकिन आई पी एस सी नाम ही जान लीजिए। कुछ आप बताए कुछ हम बताए दोनों जाने को मिल गया बात खत्म हो गई। टेट्राक्लोरो मिल गया ना जला। हाँ नोट कर लो इसको इस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बना के रख रहा है। क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि पियरका वाली है तैयारी करके आएंगे ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका है 381 मेथेन है नाम है आई अणु भार जानते हो क्या निकल भार अणु भार क्या निकाला जाला कोई मेथेन का अणु भार पूछेगा परमाणु भार के योग से। जब अणु भार निकालोगे इसको तो कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है एक एक गुणा चार तो 12 प्लस चार कितना हो गया 16 एम ई हो जाए 16 AM समझो क्या निकल रहा परमाणु भार से निकली कार्बन का 16 होता है ना 12 होता रही दादा हाई हाइड्रोजन का चार रकम चार चार का लिखा है चलो कल याद करके आना है बस एक क्वेश्चन बा ठीक है। कल पूरा पढ़ के आना तुम लोग नियंत्रित अभिक्रिया क्या होता है फिर उसके बाद संरूपण क्या होता है उसके बाद एरोमेटिकरण क्या होता है उसके बाद से